नीचे से आते आते, अरे क्या बताओ, सब लोग तैयार हैं, शुरू किया जाए। हरिओम। लास्ट क्वेश्चन क्या था मेरे भाई बंधु? ये हो गया था। कोई है जो लास्ट क्लास नहीं किए, नहीं किए हैं? ठीक है, बहुत अच्छा। आइए हम लोग आगे चलते हैं। कहा कि एक चुनाव में दो प्रत्याशी भाग लिया, 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया और दिए गए मतों का जो वोट डाले गए उसका 10% मत अवैध घोषित किया गया। ठीक है ना? जितने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची में कुल नामांकित मतों का 40% मत प्राप्त हुआ और वह 2400 मतों से निर्वाचित हुआ, तो मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं का नाम मत कितने लोगों का संख्या था, है ना? आप समझ पाए क्वेश्चन? 20% वोटर्स वोट डालने गए ही नहीं, 10% इनवैलिड पाया गया और जो विनर कैंडिडेट है उसको 40% वोट मिला है। किसका 40%? टोटल वोट्स इनरोल इन वोटर लिस्ट, मतदाता सूची का 100 का, पूरे 100% का, ठीक है ना? 40% मिला विनर को, फिर भी वह 2400 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो वोटर लिस्ट में कितने लोगों का नाम इनरोल था, कितने मतदाता इसमें नामांकित थे, है ना? तो आइए हम बताते हैं। एक क्वेश्चन हम सिखाते हैं, फिर एक आप बनाइएगा, ठीक है ना? सब लोग तैयार हैं? 150 जनों, आप सभी जानते हैं कि वोटर लिस्ट में जितने भी लोगों का नाम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई बंधु? 100%। क्या बोलते हैं? 100%। तो हमने कहा कि वोटर लिस्ट में 100% वोटर्स इनरोल थे, यस और नो? वोटर लिस्ट में कितने लोग थे? 100%, ठीक है ना? ओके। लेकिन वोटिंग करने कितने लोग हैं? वोटिंग करने 20% नहीं गए तो कितने गए? 80% वोटिंग हुआ। वोट कितने डाले गए हैं? 80%। वोट कितने डाले गए हैं? 80%। ठीक है, 100 लोग का नाम था, 20 लोग नहीं गए तो 80 वोट डालने गया ना, हाँ या ना? ओके। अब जितने वोट डाले गए 80, उसका 10% इनवैलिड है, 10% कास्टेड वोट्स वे डिक्लेयर इनवैलिड। जितने वोटिंग हुआ, जितने वोट कास्ट हुए उसका 10%, तो कितने कास्ट हुए थे? 80, और 80 का 10% कितना होता है? तो 8 तो इनवैलिड हो गया, तो कितना बचा? 72। 80 में से 8 निकल गया तो कितना बच गया? 72, हाँ या ना? समझ में आया? ओके ना? बताइए बच्चों, चलो दिखा दिया सबको। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 80 वोटिंग हुआ था और 10% इनवैलिड है तो 90% वैलिड होगा, हाँ या ना? कितने लोग हैं? 90% हम जो लिखे हैं, कितने लोग समझ नहीं पाए हैं वो बताएंगे। तो 80% वोटिंग हुआ था ना, 80, उसका 10% इनवैलिड हो गया तो 90 उसका 90% उसका
90% कितना होता बच्चों? तो ये है वैलिड वोट 72%। वैलिड वोट कितना हो गया? 72%। वैलिड वोट कितना हो गया? 72%। यस और नो में जवाब दीजिए। वैलिड वोट कितना हो गया? 72%। ठीक है ना? कोई दिक्कत किसी भाई बंधु को? नहीं ना? ओके, वैलिड वोट हो गया 72%। यस और नो? थैंक यू जी। अब यहां देखिए ध्यान से प्लीज, किसी को यहां तक दिक्कत? तुरंत बोल देना, तुरंत फटाफट दिक्कत हो तो। नहीं ना? ओके, विनर कैंडिडेट को कितना मिला बताइए? विनर को 40% मिला, लेकिन 40% किसका? टोटल वोटर लिस्ट वाले का, या वोटिंग का, या वैलिड वोट का? मैंने आपको वैलिड वोट का सिखाया था ना पहले, कि वैलिड वोट का कहता तो 72 का 40 निकालते हैं, हाँ या ना? यदि वोटिंग का बोलता 40% तो फिर 80 का 40 निकालते हैं, हाँ या ना? लेकिन इसने कहा टोटल वोटर लिस्ट का, सुनाई दे रहा ना, मतलब 100 का 40, तो 100 का 40 कितना होता है? तो 100% वोटर लिस्ट में नाम था, उसका 40% वोट मिला, मतलब ये 40 मिला, हाँ या न? तो विनर कैंडिडेट को 40 मिला। अच्छा, 40 मिला टोटल में से? हाँ, अच्छा टोटल में से 40 मिला, तब तो इसको इनवैलिड वोट भी मिल गया होगा। क्या इस 40 में इनवैलिड इंक्लूड होगा? नहीं, कभी किसी को इनवैलिड वोट नहीं मिलता, कभी नहीं मिल सकता है, इम्पॉसिबल बात है ना, कभी भी इनवैलिड वोट किसी को नहीं मिलता। जो मिलना होता है वही मिलता है, लेकिन परसेंटेज किससे कंपेयर करके निकाला गया उस पर डिपेंड करता है ना। मिलता तो वही है जो उसका है, जो उसका वोट है। अब देखा जाता कि किससे तुलना किससे किया गया है, किससे कंपेयर किया गया है। यदि हमसे कहता कि वोटिंग का 40%, तो हम किसका निकालते हैं? 80 का 40 निकालते हैं ना। यदि हमसे कहता कि वैलिड वोट का 40%, तो हम 72 का 40 निकालते हैं, हाँ या नहीं? इसने कहा नहीं, 100 का 40, तो 100 का 40 तो 40 से होता है ना, ठीक है ना, इसलिए 40 लिख दिया। यस सन्नू? ओके, लेकिन गिनती करने के लिए मेरे पास वोट कितने थे? गिनती करने के लिए मेरे पास 72 ही थे ना, और 40 किसको मिल गया? तो हम 72 में 40 माइनस करेंगे, जो बचेगा वो बी का होगा, हाँ या नहीं? तो बी का वोट जो होगा वो 72 में से 40 माइनस करके बचेगा, तो कितना बच गया? 32%। ये बी को मिलेगा। भाई बंधु क्या बोलते हैं, सही है? तो बी को मिलेगा 72 में से 40 माइनस करके। समझ में आया? कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा कि 72 में से क्यों माइनस किया, जब इसको 40 मिला तो उसको तो 60 मिलेगा ना, ऐसे कैसे मिलेगा? हमारे पास गिनती के लिए तो 72 ही वोट है कि नहीं भाई साहब? और टोटल का हमने 40% निकाला तो 40 ही होता है, इसलिए ए को 40 मिल गया, जो मिल गया सो मिल गया, उसके हिस्सा है भाई 40। तो हम 72 जो गिनती के लिए मेरे पास 40 72 बचा ना, 72 उसमें से ए का हिस्सा माइनस करेंगे तो ना बचेगा बी का हिस्सा, हाँ या ना? बोलो ना, समझ में आया? तो बी का हिस्सा 32 हो गया, ठीक। अब हार जीत का फैसला कितने से होगा? इसको 40, इसको 32, तो कितने से जीता? 8% से जीता, और वो किसके बराबर है? 2400 के बराबर। क्या निकालना है? 100%। क्या निकालना है? तो 8 से भागा, 100 से गुना, 8 3 24 कितना आएगा बंधु? बंधु भाई कितना आएगा? 30,000। कितना आएगा? समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। तो ऐसे करके 30,000 आ गया, 30,000 आ गया। किसी को तकलीफ हुआ? नहीं। क्या बना सकते हैं? इसको मैं फिर से समझाना चाहता हूं, यदि कोई कंफ्यूजन हो तो। देखो यहां, देखो मैं फिर से समझाता हूं। वोटर लिस्ट में कितने लोग का नाम है?
100, कितने 100 का 20 वोट डाले नहीं गया था, कितना वोट डाले नहीं गया 20%, कितना गया, और 80 में से 80 का 10% इनवैलिड निकल गया, तो 80 का 10 कितना होता है, 80 का 10% 8 होता, तो 8 अवैध निकल गया, हां या ना, समझ में आया, आ रहा समझ में ना, तो 20 तो वोट डालने गया नहीं, 80 का 10% निकाल तो 8 ही होता ना, अच्छा 80 का 10% लेकिन टोटल का ये क्या आया 8%, टोटल कितना आया, टोटल का 8% और 80 का, दोनों बराबर ही ना है, 80 का 10% कितना आता 8, तो ये जो 8 है वो टोटल का 8% हुआ ना, 100 का 8% हुआ ना, ज्यादा मत सोचो, देखो 100 वोटिंग वोटर लिस्ट नाम था, 20 वोट डालने नहीं गया, 80 गया और 80 का 10 मतलब 8 अवैध पाया गया, और 100 में से 40 मिला एक को, तो 40 एक को मिल गया, तो कितना चला गया वोट जोड़ो 68, तो कितना बच गया, तो 100 में से माइनस कर लो कितना बच गया भाई, जो बच गया वो बी का हो गया, हाँ या ना, 20 वोट डाले नहीं गया, 80 गया, 80 का 10 अवैध हो गया, तो 80 का 10 8 होता है, तो 8 अवैध हो गया, 100 में से 40 मिला, तो सब मिला के 100 में से 68 चला गया, 100 में से कितना गया 68, तो कितना बच गया 32, जो बचा वो किसका हिस्सा है बी का, तो ए का 40 और बी का 32, तो अंतर कितने का आ गया 8, वही 8% जो आया, यही हमें 2400 के, तो हमें टोटल वोटर लिस्ट में, यदि वोटर लिस्ट का निकालने का है तो 100 निकालेंगे, वोटिंग निकालने का है तो 80 निकालेंगे, समझ में आया, और वैलिड वोट निकालने का है तो 72 निकालेंगे, है ना, वैलिड वोट मतलब 72 निकालेंगे, और ए का निकालने का है तो 40 निकालेंगे, और बी का निकालने का है तो 32 निकालेंगे, ठीक है ना, अब जो बोलेगा उसके अकॉर्डिंग, तो हमसे वोटर लिस्ट का निकालने का था 100 कितना होगा, तो 8 3 24, तो कितना आ जाएगा 30,000, तो ये हो गया 30,000, यस और नो, समझ में आया, कोई दिक्कत तकलीफ, चले आगे, क्या बना सकते हैं ना, आरएस में सब करना जी, तो धाएं धाएं बनाइएगा, 100 वोटर लिस्ट में था, 20 वोट डाले नहीं गया तो 80 गया, 10 अवैध हो गया तो 10 इसका कितना हो गया 72 बच गया, तो एक मिला 40 टोटल का, तो 100 का 40 40 से होता है, फिर 72 वोट गिनती के था मेरे पास, 40 ए को मिल गया तो 32 बी को मिलेगा, तो अंतर 8 को, ऐसे बनाइएगा दाएं दाएं, ठीक है ना, कोशिश करें, कोई दिक्कत, चलिए कोशिश करते हैं पहले, ठीक है ना, डरिएगा नहीं, क्योंकि डरना है, एकदम सही समझे आप, हम भी यही बोलने वाले थे, मना है दाएं दाएं, देखना चाहते हैं कितने लोग धाएं धाएं उड़ाते हैं कि उड़ते हैं, कितने लोग धाएं धाएं उड़ाते हैं या उड़ते हैं, देवी और सजनू, आ गया बच्चा लोग, इतना देर की कहानी नहीं था ये, बोलो बोलो आया, सबका आ गया, सबका आ गया, ओ जल्दी जल्दी लाओ फटाफट 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 धाएं धाएं, बोलो बोलो आया, सबने लाया, अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन आ गया क्या, ये दूसरा टाइप है ना, इसमें 500 मत अवैध पाए गए, परसेंटेज नहीं है, रुक जाओ हम भी आराम से बैठ गए बिल्कुल बिना देखे, रुक जाओ रुक जाओ, हाँ गलत कर दिया ना, क्योंकि क्वेश्चन था दूसरा
और हम उम्मीद करके बैठे कि बच्चा सॉल्व करेगा। ये हम एक बनाते हैं, ठीक है। पिछला समझ में आ गया था सबको ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? एग्जाम्पल एक ही है, चलेगा? चल गया, कोई बात नहीं। आइए इसको हम पहले समझाते हैं, ठीक है, फिर आप बनाइएगा। पता नहीं क्वेश्चन वही है या मतलब। हाँ ओके, चलो सिखाता हूं पहले, आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना। पहले डिटेल बना के दिखाऊं या मतलब डायरेक्ट शॉर्टकट? चलो फिर डिटेल समझा देता हूं, ठीक है। आइए भाई लोग समझिए ध्यान से प्लीज। वोटर लिस्ट में कितने लोगों का नाम होता है? वोटर लिस्ट में कितने लोगों का नाम होता है? 100%, ठीक है ना। वोटर लिस्ट में कितने लोगों का नाम है? चलो 100%, कोई दिक्कत नो। प्रश्न को पढ़िएगा मेरे साथ साथ, क्या बोला? 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, तो वोटिंग कितना हुआ? वोटिंग कितना हुआ? 90%। किसी को दिक्कत? समझ में आया सबको? वोटिंग कितना हुआ? 90%। चले आगे, अभी बनाइएगा मत, ये है ना, न्यूमेरिकल हो सकता कटे उठे ना, रुक जाना पहले, क्योंकि अगला तो सही है, ये थोड़ा सा लगता कटता तो नहीं है, देखो ध्यान से। वोटिंग कितना हुआ? 90%। अब क्या बोला? बोलिए। 500 मत अवैध घोषित किए गए, तो इसका मतलब वोटिंग तो 90 हुआ था, 90%, है ना। कितना हुआ था? 90%। समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत नहीं ना भाई साहब? वोटिंग हुआ था 90%। कितना परसेंट? वोट 90%। अब इसमें से 500 क्या हो गया? अवैध पाए गए, तो वैलिड वोट हो गया 90% माइनस 500। हाँ या ना में उत्तर दीजिए, सबको समझ में आ रहा? 90% माइनस 500, वैसे ही लिख देंगे 90% माइनस 500, क्योंकि ये प्रतिशत में है और ये संख्या में है, ठीक है ना। 90% माइनस 500, कोई दिक्कत तो नहीं? आ रहा समझ सबको? अच्छा, उसके बाद पढ़िए, जितने वाले प्रत्याशी को, मतलब ए को 55% किसका मिला? वोटर लिस्ट के टोटल वोट का 55 मिला। किसका मिला? वोटर लिस्ट के टोटल वोट का 55 मिला, मतलब ए को 55 मिला। क्यों? क्योंकि 100 का 55% निकालते हैं तो 55 ही होता, इसलिए 55 का 55 मिला। समझ में आया? यदि वोटिंग का 55% कहता तो 90 का 55 निकालते। किसका निकालते हैं? 90 का निकालते 55, ठीक है ना। लेकिन वोटिंग का नहीं कहा, किसका कहा? भाई जिसका कहेगा आप कुछ मत सोचना, उसी का निकालना, ठीक है ना। यदि कहा टोटल वोटर लिस्ट का तो 100 का कर दो उतना परसेंट, वोटिंग का कहता तो 90 का निकाल दो, यदि बोलता कि वैलिड वोट का तो इसका 55% लिखते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो कभी ऐसा नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है, जिसका बोलेगा हम लोग उसी का निकाल लेंगे, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि किसी को कभी इनवैलिड वोट नहीं मिलता, जो भी मिला होगा ना वो वैलिड में से ही मिला होगा, ठीक है ना। तो 100 का 55 निकाला तो 55 आया, कितना आया? लिख दिया 55, ठीक है ना। अब सुनिए, अब कितना बच गया? कैसे मालूम करें कितना बच गया? तो ये है अपना वैलिड वोट, गिनती का वोट यही ना है, ये है अपना वैलिड वोट, समझ में आ रहा ना, यही गिनती का वोट है ना। इसमें से जितना मिला उतना माइनस कर दो, नहीं समझ में आया? अरे ये है अपना वैलिड वोट, यही तो गिनती का सही वोट यही ना है। तो इसमें से जो ए को मिला वो माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो बी का होगा,
यस और नो। तो भैया बी को कितना मिला कैसे निकालेंगे, 90% माइनस 500, यह है वैलिड वोट। ये क्या है, यह है वैलिड वोट, है ना। और वैलिड वोट में से ए को मिल गया 55, कितना मिल गया, यही ना वैलिड वोट है, इस सब मिला के वैलिड वोट, समझा रहा ना। और उसमें से एक का हिस्सा माइनस कर देंगे, तो एक का वोट यदि माइनस कर देंगे जो बचेगा वो किसका होगा, बी का होगा। जो बचेगा किसका होगा, बी का होगा। हाँ या ना में उत्तर दीजिए, हाँ ना जी, कोई दिक्कत नहीं, कर दो माइनस। तो बी का हिस्सा कितना है बताओ बंधु, 90 में से 55 माइनस करो, कितना, 35% माइनस 500, किसका हिस्सा निकला, बी का। 35% माइनस 500, ये किसका हिस्सा निकला। सबको समझ में आ रहा ना कि अपने पास वैलिड वोट इतना है, और वैलिड वोट में से जो वैलिड वोट है उसमें से ए का हिस्सा यदि हम माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो बी का होगा। हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, हाँ ठीक है ना, ओके। अब हार जीत का फैसला कैसे होगा, तो अब ए के वोट में से बी का वोट माइनस करेंगे, वही ना फैसला करेगा, है ना, हार जीत का डिफरेंस। तो ए को कितना मिला बंधु, 55, और बी को कितना मिला भाई, 35% माइनस 500। ये मिला ए को, ये मिला बी को, और ए और बी का डिफरेंस जो दिया है वो 1200 वोट है, कितना है, समझ में आया बंधु, कितना वोट हो गया, 1200। सबको समझ में आया, कोई दिक्कत तकलीफ आ रहा, समझ में ना, ये ए का वोट है, ये बी का वोट है, ए के वोट्स में से बी का वोट माइनस करेंगे, वही ना डिफरेंस होता है हार जीत का, हाँ या ना। तो ए में से बी माइनस किया, डिफरेंस आ गया 1200 का, यस और नो। सबको यहां तक समझ में आया, जैसे ना आए वैसे ऑब्जेक्शन करना, ठीक है ना, यहां तक आ गया। अब माइनस कीजिए, 55 में से 35 माइनस कीजिए, कितना आएगा, कितना, 20 आ गया, 55 में से 35 कितना आ गया, 20% कितना आ गया, और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 500, बराबर कितना हो गया, 1200। हाँ या ना में जवाब दीजिए, हाँ या ना, पक्का। अभी 500 जाके माइनस कर दो, करो करो, 20% बराबर कितना आ जाएगा, 7, 5, 12, 700, कितना आ गया, तो 20% 700 है, हाँ या ना, 20% कितना है, 20% कितना है, ओके। कहाँ निकालना है, अरे कहाँ निकालना है भाई, वोटर लिस्ट, 100%, वोटर लिस्ट मतलब 100%, हाँ या ना। तो 100% कैसे निकालेंगे, 700 बट्टा में 20 गुने में 100, 20 पचे 7 पचे, तो वोटर लिस्ट में कुल 3500 लोगों का नाम था, ये तो बहुत बड़ा हो गया। क्या हम ऐसे बनाएंगे, फिलहाल तो ऐसे बनाएंगे, अब बताएंगे दूसरा तरीका, छाप लिए, क्या आप सभी ने छाप लिया, बोलो बोलो, अच्छी बात है, तो छापने बहुत आगे थे आप, हैं समझे नहीं क्या, समझ भी गए हैं, मैं फिर से समझाता हूं, फिर सिखाऊंगा शॉर्टकट, ठीक है, आइए, जो लॉन्ग कट समझेगा वही शॉर्टकट समझेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके बाद जो आना है सो आ जाए, छोड़ेंगे नहीं, ठीक। सब लोग छाप लिए भाई, भाई छाप लिए ना, चलो भाई लोग, ठीक है। वोटर लिस्ट में कितने लोगों का नाम होता है, मेरे साथ मन आपका हाँ हाँ बोले, ना ना बोले, जो बोलना है ना,
हाँ नन्ना हाना हा, जो बोले बहुत अच्छा, बकवास अच्छा लगता है ना सबको लगता है भाई साहब। चलिए यहां देखिए, तो हमने कहा कि वोटर लिस्ट में कितने लोग का नाम था 100%, ठीक। 10% वोट डालने नहीं गया तो कितना डाला वोट, 90%, समझ रहे ना भाई साहब। और 90% वोटिंग हुआ था और 500 अवैध हो गया तो कितना बच गया वैलिड, 90% माइनस 500, हाँ या ना जवाब दीजिए, 90% माइनस 500 ये है वैलिड वोट है ना। एक को टोटल का 55 मिला तो 100 का 55 कितना होता है 55, तो एक को 55 मिला, लिख दीजिए 55, ठीक। उसका कंपेयर किया है टोटल से, तो टोटल का कंपेयर तो टोटल से निकाल लीजिए, 100 का 55 तो 55 ही होता है, ठीक। हम जानते हैं, हम सब समझ गए हैं, बात कर लीजिए। तो एक को मिला 55 तो बी को कितना मिलेगा, तो भैया वैलिड वोट हमारे पास इतने ही तो है, अब इतना में से हम ए वाला वोट क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है ना। जो हमारे पास वैलिड वोट है उसमें से ए का वोट क्या करेंगे माइनस, जो बचेगा वो किसका होगा बी का, किसी को दिक्कत, जो बचा वो किसका होगा बी का। तो माइनस का 90 में से 55 गया तो 35 और माइनस 500 ये आ गया बी का वोट, ठीक है ना। हार जीत का फैसला, ए में से बी का माइनस करेंगे तो ए का वोट इतना और बी का वोट इतना, तो ए में से माइनस कर दिया बी का वोट, माइनस किया तो 55 में से 35 गया तो 20 आ गया और माइनस माइनस प्लस का 500, यही डिफरेंस जो है हार जीत का डिफरेंस दिया है 1200 का। भाई साहब समझ रहे हैं ना पक्का, तो डिफरेंस 1200 का दे दिया, माइनस कर दे 700 तो 20% 700 तो 100% कितना, ठीक। आप इसे ऐसे ना बनाए, समझेंगे, आइए समझाता हूं, प्लीज यहां देखिए, वोट मेरे साथ साथ ध्यान दीजिएगा। वोटर लिस्ट में कितने लोग का नाम होता है 100%, वोटर लिस्ट में कितने लोग का नाम होता है 100%, क्लियर। वोट डालने कितने नहीं गए बोलो 10%, ठीक है ना। वोट डालने कितने नहीं गए, 100 में से 10 निकल गया, और अवैध कितने पाए गए तो 500 और निकल गया, 10% तो निकल, वोट डालने गया ही नहीं, 500 और कम हो गया, ठीक है, ओके। टोटल में से 40% ए को मिला, ए को कितना मिला भाई साहब, टोटल कितना था 55 था, 40 पिछला में था, नहीं इसमें कितना था 55, तो ए को टोटल में से 55 मिला, ए को कितना मिला 55 मिला, कोई दिक्कत। एक को 100 का 55, 100 का 55 तो 55 ही होता है, 90 का कहता वोटिंग का 55 तो 90 का 55 निकालते, वैलिड वोट कहता तो वैलिड वोट का निकालते, है ना, जो पूछेगा बता देंगे, है ना। आइए, तो 10% वोट डालने गया नहीं, ठीक है, 500 अवैध हो गया ये भी ठीक है, 55% मिला ए को ये भी ठीक है, ए को 55% मिला, ठीक। सब मिला के जोड़ेंगे, जो बचेगा 100 में से माइनस करके वो बी का होगा कि नहीं होगा, होगा ना, जो वोट बचेगा वो बी का, क्यों देखो वोट डाल नहीं गया 10 वो भी निकाल दिया, 500 अवैध है वो भी निकाल दिया, एक को मिला टोटल का 55 वो भी निकाल, अब बचा किसका बी का बचा, इस सबको जोड़े 55 और 10 कितना हो गया 65, कितना हो गया तो कितना बच गया 55 10 होता 65 तो बच गया 35, कितना बच गया तो बी का 35% बचा, लेकिन 35 नहीं बचा, पूछो क्यों, 500 और भी तो कम करेंगे, 500 कम करेंगे तो बी का आ गया, नहीं बुझे, बुझ गए, फिर से बुझाते हैं, देखो यहां देखिए 10% वोट डालने नहीं गया, कोई दिक्कत, 10% वोट डालने नहीं गया, 10 लिख दिया, 500 अवैध हुआ तो 500 और लिख दिया, ठीक है ना। टोटल का 55 मिला ए को, टोटल का 55 तो 100 का 55 55 लिख दिया, हाँ या ना। उसके बाद जो
जो बचेगा वो किसका वोट होगा? वी का, क्योंकि जो नहीं गया उसको भी काउंट कर लिया, जो अवैध पाया गया वो भी काउंट कर लिया, जो ए को मिला वो भी काउंट कर, जो बचेगा वो बी का होगा, हाँ या ना? जो रेस्ट वोट किसका होगा? बी का, हाँ या ना भाई साहब? प्रतिशत 10% 55% कितना हो गया? 65, कितना हो गया? तो 100 में से 65 माइनस करो कितना बचेगा? 35 बचेगा ना जी, कितना बचेगा? तो 35 में तो और भी तो 500 कम करना बाकी है ना। अरे 500 और कम करें तो ना बी का आएगा, हाँ या ना? 10 ऐसे गया, 500 ऐसे गया, 55 ऐसे गया, तो पहले परसेंटेज जोड़ लिया, 55 और 10 65, तो बच गया 35। और 500 कम करना बाकी था, और क्योंकि अवैध भी तो है, तो और 500 और कम कर लिया, तो जो बचा वो किसका बचा? बी का। तो वही लिख दिया 35% - 500 बी का हो गया, हाँ या ना? आइए हार जीत का फैसला ही कर दें, माइनस कर दें, बोलिए कर दें। माइनस का भी किया है? जब माइनस करते हैं तो सबका साइन बदल जाता है, मालूम? ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यस और नो? जब हम माइनस करते हैं सबका साइन बदल जाता है, क्या हो जाता है? तो ये इसके आगे प्लस था तो हो जाएगा माइनस, इसके आगे माइनस था तो हो जाएगा प्लस, यस और नो? तो 55 में से 35 गया, 20%, और प्लस का, और यही हमें दिया हुआ है, कितना कितना? 1200 दिया हुआ है। ये 1200 में 500 माइनस कर दो कितना हो गया? तो 20% 700, तो 100% कितना? क्या बना सकते हैं? इतना तामझाम लिखने की जरूरत नहीं है, छोटे में काम चल जाएगा, यस और नो? क्या भाई, क्या बोलते हैं? हाँ या ना? हाँ या ना बताइए ना। तो क्या बना सकते हैं? पक्का? अरे मैं दोबारा ले देता हूं, दिक्कत है। देखो देखो एक द्वारा देखो देखो भाई देखो, अरे देख लो, देखना पड़ेगा तुमको, यहां देखो। 10% वोट डालने नहीं गया, कितना नहीं गया? 10% वोट डालने नहीं गया, और 500 और गया अवैध, कितना गया अवैध? और गया 55 ए को, ए को कितना गया? 55, तो इन सबको मिलाकर हो गया 65% प्लस 500। तो हम 100 में से माइनस करेंगे, 100 में से 65 गया था कितना बचेगा? और ये भी तो माइनस करेंगे तो माइनस 500 हो जाएगा, हाँ या ना? तो बी का हिस्सा हो जाएगा 35% माइनस, ये बी का हिस्सा हो जाएगा, ए का ये हो जाएगा और बी का ये, यस और नो? ये ए का हिस्सा हो गया, ये बी का हिस्सा। हार जीत का फैसला माइनस करके आएगा, कितना आ गया? 20% प्लस 500 बराबर कितना? 1200। माइनस कर दो तो 20% आ गया 700, तो 100% मेरे हिसाब से बना लेंगे, नहीं आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? 3500 कितना आ गया? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बन जाना चाहिए, है ना देवी और सजना? यस और नो? ओके, तो ऐसे करके आंसर आ गया 3500। यदि आपको निकालने का, वोटिंग कितना हुआ था, क्या निकालते हैं? 90%। वोटिंग कितना, क्या निकालते हैं? 90%। समझ आ चलो ना, वोटिंग पूछे तो कितना निकालोगे? 90%। अच्छा, वैलिड वोट पूछे तो कैसे निकालोगे? एक्सलेंट, वेरी गुड। 90% निकाल के फिर 500 माइनस कर लेंगे, वाह क्या बात है, एकदम समझदार है आप। ए का निकालने कहे तो 55% निकाले, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और बी का निकालने कहे तो पहले 35% निकाल लेंगे फिर 500 माइनस कर देंगे, वाह भाई साहब आप तो मेरे मन की बातें बोल दिए, वाह। बनाइए, आ गया, सबका आना चाहिए, बनाइए धाएं धाएं, दिखाई दे रहा सबको ना, धाएं धाएं बनाइए बच्चा लोग, धाएं धाएं।
एकदम तेजी में कैसे, तेजी में भाई तेजी में धाए धाए, बोलो बोलो आया भाई जी, आया दिमाग लगाया, कितना वोट डालने गया था 10%, कितना वैध है 60 वोट, विनर कितना मिला 47, 47 और 10 कितना हो गया 57, तो कितना बच गया 43 है ना, तो 47 और 43 में कितने का अंतर हो गया 4, और वो माइनस प्लस हो जाएगा 60, तो माइनस कर दो उधर 248, तो 4% 248 तो 6200, 100%, अरे वाह कमाल कर दिए 6200, बोलो बोलो आया सबका, आया सबको मजा आया, वाह वेरी गुड। याद करता है ठीक है ना, आ गया देवी और सजनों, ऐ देवी सजनों आया, आके बैठा है, चाय पानी पी रहा है, ठीक है ओके जी, सबका आ गया क्या, आप दिमाग लगा रहे हो जी, ए भाई जी, भाई जी, भाई जी दिमाग लगा रहे हो क्या, ना 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 ना, चलिए आइए देखते हैं, देव सजनों तैयार हैं सब लोग, कितने वोट डाले नहीं गए हैं बोलो बोलो, 10% नहीं गए, कितना अवैध पाया गया 60 अवैध पाया गया, एक को कितना मिला 47, टोटल का 47, तो 47 और 10 कितना हो गया 57, तो कितना बच गया 43, अरे ये तो कम करना बाकी है, ये भी कम कर दो, और जो कम कर दिया जो बचाओ किसका बचा, कितना बचा 43% में से 60 कम, हां या ना, समझ में आया पक्का, सचमुच ना, 10% ये चला गया, 47 ये गया, सब मिला के 57 गया, 57 में और 60 और जाएगा, लेकिन 60 बाद में माइनस करेंगे है ना, पहले 57 में 100 में से माइनस कर लेते हैं, कितना होगा 43 और 60 और माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो किसका होगा, बी का, यस नो, तो एक का इतना बी का इतना, अब अंतर निकाल दूं, क्या बोलते हैं अंतर निकाल दूं, कितने का अंतर है 4% प्लस 60 बराबर कितना दिया बंधु 30, जरा माइनस करिए भैया 4% बराबर 200, तो 100% कितना 248 डिवाइड बाय 4 × 100 आया 6200 वोटिंग हुआ था, यस और नो, बहुत अच्छा प्रश्न को आपने यूं यूं उड़ा दिया, कैसे उड़ाया मजा आया, ठीक है कोई है जो दोबारा पूछना चाहते हैं मेरे भाई बंधु, उठाइए अपना हाथ पूछिए, छाप लिए पूरा छापी, जल्दी जल्दी छापिए, फटाफट छापिए, धाए धाए छाप लिए, देवी सजनों सब छाप लिए, क्या आप दिमाग लगा रहे हैं, नारे बाबा ना, नारे बाबा ना, बोलो बाबा आया, देखो
बाबा या यहां देखो ना अभी आएगा। 10% वोट डालने तो गया ही नहीं था, 60 अवैध पाया गया, 147 मिला, कितना मिला एक को? 47 मिला, 47 और खत्म हो गया, इसका मतलब 10 ये खत्म हुआ, 47 ये खत्म हो गया, सब मिला के 57 खत्म हो गया, तो बचा 43। ये तो माइनस ने किए थे, अच्छा ठीक है ये भी माइनस करते हैं, जो बचेगा वही तो बी का होगा, 43% माइनस 60, हाँ या ना? समझ में आया भाई साहब? भाई साहब जी जो पूछे थे भाई साहब आया? अरे वाह, अंतर कितने का हो गया? माइनस करेंगे तो 4% प्लस 60 बराबर जो भी आ जाए, है ना देवी और सजनों? अरे और भी है जी इसमें, हम बैठ के आराम कर रहे थे सब लोग हैं। मतदान की कुल संख्या निकालिए तो 90% मतदान, 90 ना, जल्दी को जल्दी वाश 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 लिखो 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 धन धन लिखो जी, लिख लिया। देवी और सजनों देवी और सजनों, यस निकाल सकते हैं आप, लेकिन आप वैसे निकालिए ना, कितना आया था 20% था ना डिफरेंस, 4% कितना है? 4%, 4% बराबर कितना आया था 248, तो डायरेक्ट निकालो 90% कितना। ठीक, एग्जाम में तो कोई एक ही ना पूछेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही बनाइएगा, ठीक है? आया बच्चों? देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, आया सबका? बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सब क्या आ गए? मैं बना के दिखाऊं या आ गए? बोलो बोलो, आए नहीं आए? अरे इसे टुकुर टुकुर देखने थोड़ी आएगा, 4% कितना है 240, तो ऐसे करो, यहां देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड 4% बराबर 248। भैया जी एग्जाम में कोई एक ही ना आएगा, तो हमें जवाब उसी के अकॉर्डिंग देना, ये नहीं कि पहले टोटल निकालो फिर, नहीं एक ही बार में, ठीक है? और सबका हम सेपरेट सेपरेट निकाल रहे हैं दिखाने के लिए, 4% 248 आता, उसके बाद जैसे यहां पर निकालना था टोटल तो 100 निकाल लिए, लेकिन एग्जाम में हमको 100 नहीं निकालना है, हमको क्या पूछा वोटिंग कितना हुआ, तो 10% शायद इनवैलिड था ना, देखो तो सॉरी 10% वोट डालने गया था ना, वोटिंग कितना करने नहीं गया था, तो कितना गया बताओ, तो डायरेक्ट निकालेंगे 90% कितना, हाँ या ना बंधु? 10% वोट डालने गया ही नहीं तो 90% गया होगा ना, हाँ या ना? तो कैसे 248 डिवाइड बाय 4 गुने में 9, काटो 62 को 9 से गुना करो, 55 55 ये आ गया कि वोटिंग हुआ, समझ में आया? आप टोटल निकाल के भी 90% निकाल सकते हैं, समझे? लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है? एग्जाम में तो कोई एक ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, थर्ड क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट, तो 5580 में से इनवैलिड कितना है, वोटिंग हुआ 5580, 5580 वोटिंग हुआ, कितना वोटिंग हुआ और उसमें अवैध कितना पढ़ो 60, तो 60 माइनस कर दो 55, तो ये हो गया वैलिड वोट, हाँ या ना बंधु? समझ में आया ना? पहले हमको निकालना पड़ेगा वोटिंग कितना हुआ 5580, उसमें से 60 अवैध था तो 60 माइनस कर देंगे, हाँ या ना? ठीक है बोलो बोलो। अच्छा फोर्थ क्वेश्चन, टोटल ऑफ वोट्स ए को कितना मिला,
तो ऐसे निकालेंगे 4% बराबर 240, तो एक को था 47, तो एक का 47 निकालेंगे। समझ में आया? एग्जाम में एक ही पूछेगा, इसलिए एक एक निकाल रहे हैं अलग अलग, ठीक है। अभी 47 निकालने कहे तो 248 बाई 4 इंटू 40, अब 62 से कट गया, ये गुना करिए 19 2914, यही ना है। ओके, समझ में आया? कोई दिक्कत? अच्छा, बी का निकालने कहे, किसका निकालने कहे, सुनिए ना, सुनिए ना, यहां देखिए ना, यहां पर बी को कितना मिला है, 43% माइनस। तो पहले आप 43% निकाल लो, क्या निकालोगे कि 4% बराबर 240, तो हम निकालेंगे 43%, क्या निकालेंगे पहले 43%, भाई जी पहले क्या निकालेंगे 43%, पहले क्या निकालेंगे 43%, कैसे निकालेंगे 248 डिवाइड बाय 4 इंटू 43, हाँ या ना, इसे काटो 60, तो 62 × 43 26 66 2666 है, लेकिन बी का वोट निकालना, किसका निकालना है 26 66 में से हम 60 अवैध भी मतलब वो माइनस करेंगे ना, उतना ही मिला था ना, कितना आ गया 2606, ये बी का वोट होगा। समझ में आया? आइए मैं आपको दिखाता हूं बी का वोट कितना, देखो बी का वोट था कितना 43% माइनस 60, तो पहले हम 43% निकाल लेंगे और उसमें से 60 क्या करेंगे माइनस, तो 26 0, यही बी का वोट होगा, हां या न, क्या बोलते हैं जी, सही बोलते हैं, कोई तकलीफ 2606, यस और नो, क्या बना सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, आपने तो उड़ा दिया, अच्छा लगा हमें, क्या सबको समझ में आया? एक और देंगे ऐसा, हम दे दूं, उड़ा देंगे, हारने वाला प्रत्याशी का निकालना है, बताओ भैया जल्दी जल्दी बताओ, हारने वाले का, बोलो बोलो, आया कुछ तो बोलो, आया बच्चा लोग आ रहा है, स्टेक से लइयो भैया, बोलो बोलो आया, बोलो बोलो आया, बोलो भैया आया, बोलो भाई साहब आया,
आगे सबका आगे हरिओम आया आया भाई साहब आ गया कितना आ गया 21,920 यही है तो सही होगा सबका आ गया। ए भाई जी का है क्या सबका आ गया नहीं आया वाह आप सभी ने कमाल किया धन्यवाद कमाल करने के लिए है 21,900 800 माइनस ने किया क्या माइनस ने किया 800 कर लिया ना आप सभी ने प्रयास किया एकदम लगता है अधिकारी अब बन के रहेगा नहीं मानेगा सब देखो एकदम नहीं मानना भाई साहब नहीं मानना है एकदम चलिए कोई पूछना चाहते हैं ठीक है देखो कोई दिक्कत नहीं कितने परसेंट वोट डालने नहीं गए 20 निकल गया और कितना नहीं 800 क्या हो गया अवैध एक को कितना मिला टोटल वोटर लिस्ट का यही ना ना जितने भी वोटर लिस्ट में थे उसका कितना परसेंट मिला 48% हाँ या ना ओके 48% और निकल गया 20% गया ही नहीं 800 अवैध और टोटल का 48 और चला गया तो सब मिला कितना गया 68 कितना हो गया अरे 100 में से 68 गया तो कितना बचा बोलो अरे ये तो मानसी ने क्या भूल गया था ओ माय गॉड तो 32% कितना और कम कर देंगे 800 और कम कर देंगे ठीक है ना 32% में से 800 और कम कर देंगे हाँ या ना में उत्तर दीजिए समझ में आया 32% में से 800 और माइनस कर देंगे हाँ या ना समझ में आ गया कोई दिक्कत तो नहीं ना ये ए का वोट है ये बी का वोट है यस और नो अब इसे माइनस करिए कितना गया 16 और ये प्लस का और ये अंतर कितने का दिया है 12,100 ये 800 माइनस करना भाई 11,300 मतलब 16% इतना है यस और नो हमें किसका निकालना है तो हारने का 32 माइनस 800 है तो पहले 32 निकाल लेते हैं 16 दुनी इसका दुगना कितना होगा इसका दुगना 16 दुनी 22720 ये वोट कितने के बराबर आया 32% कितना 32 लेकिन निकालना किसका है बी का तो 800 और क्या करेंगे तो कितना आएगा 219 ये आ रहा क्या यही मिलेगा बी का वोट्स यस और नो ऐसे कैसे भाई साहब समझ में आया बहुत अच्छा प्रश्न आपने बनाया मजा आ गया तो चले आगे इसे हम नहीं बोलते पाप लिखेगा
हाँ, चुनाव में 3 प्रत्याशी हैं इस बार, बस बस शनिवार को, यहां देखो उसी दिन कराएंगे ना, रुको ना, उसी दिन ना अष्टमी है, कब है ना, संडे को नौमी दोनों आएगा नहीं, सैटरडे को तो कम से कम आएगा, देखो ना, यहां देखिए, कहा कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया, कितने उम्मीदवार, 3 कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए, ठीक है ना, एक चुनाव में 3 कैंडिडेट, भाई साहब बातें नहीं करिए, 3 कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए, कितने, ए को मिला है 10%, बी को मिला है 55%, और जो बच गया वो सी को, ऐसे भी जो बच गया 35 बच गया है ना, ए को मिला 10, बी को मिला 55, सी को मिला 3 कैंडिडेट थे ए बी सी, ए आम आदमी, बी बीजेपी, सी कांग्रेस, अन्यथा में न ले, ए बी सी लिख दिया तो हम क्या करें, नाम भी आ गया बीच में, ठीक है ना, क्या आपको तकलीफ है, इधर देखो ध्यान से, अच्छा चलो बात नहीं करते, बातें नहीं, हम लोग पॉलिटिकल आदमी नहीं है, पढ़ाई से मतलब रखें, आइए तो, अरे तुम यहां देखो ना कैसा आदमी है, विजेता उम्मीदवार को 1200 मतों से जो जीत गया, यही ना, विनर कैंडिडेट गोट कितना, जितना भी है, इलेक्टेड बाय 1200 नंबर वोट्स, है ना, विजेता जो है वो 1200 मतों से चुनाव जीत गया, तो विजेता कौन है इसमें, बी है, अच्छा रुक तो जाओ, ठीक है, जो समझना चाहो तो समझता नहीं है, जो नहीं समझता तो पूरा फोर्स कर रहा है, यही है एंड, चलो आप बताइए भाई साहब कितने प्रतिशत से जीता है, जितने लगा था कितने परसेंट से जीता है, यही तो बातें हैं, यही तो मैंने कहा कि सीखो, जो सीखने का चीज है, देखिए कैंडिडेट चाहे 1000 खड़ा हो उससे मतलब नहीं है, जीत और हार का फैसला दो ही लोगों में होता है, नहीं समझे, यदि यहां पर 1000 कैंडिडेट होगा उससे मतलब नहीं है, जो विनर है और जो फर्स्ट लूजर जो है ना, सेकंड पोजीशन जो आया है, फर्स्ट रनर अप बोलते हैं उसको, जो भी तो सेकंड पोजीशन पाया है और जो फर्स्ट पोजीशन, यही दोनों का अंतर होता, आदर से अंतर, यदि गठबंधन कर लिया वोट में भी तो हार जाएगा जीतने वाला, देखो कैसे, इसको मिला 55, ये तो ऐसे भी नहीं हारेगा, कभी ऐसा हो कि मान लीजिए एक आदमी को मिला 10%, एक को मिला 20%, एक को मिला 30%, एक को मिला 45%, अब कितना बच गया, 5 है, 5 बच गया, एक और को मिला, अदर को मिला 5%, मान लो यदि ऐसा होता तो विनर कौन है ये, तो 45 में से हम किसको माइनस करेंगे, क्या इन सब को जोड़कर 55 या 30 को सिर्फ, ऐसा नहीं कि सब गठबंधन कर लिया तो 55% आ जाएगा, गठबंधन कभी वोट में नहीं होता, जितने के बाद गठबंधन होता है ना भाई साहब, ये थोड़ी है कि तुम लोग जोड़ के जितना आया है, हाँ अपना वोट इनको दे रहे हैं, उन जोड़ लो तुम जोड़ लो, हाँ इसको हरा देते हैं कि नहीं, तो ऐसे नहीं होता, समझ में आया ना, हमेशा दो ही आदमी के बीच का अंतर देखते हैं, समझ में आया, जीतने के बाद गठबंधन बनता है, समझ रहे ना, कि वो जीत के आया उस पार्टी से है ना, बन गया आपस में अलायंस बन गया, लेकिन वोटों में कभी भी गठबंधन नहीं होता, ठीक है ना, तो सिर्फ हम विनर को देखेंगे और जो सेकंड पोजीशन पाया है उसको देखें, यहां पर कितने किसका इसका अंतर देखेंगे, यहां कितने का अंतर बोलेंगे,
15% से जीत गया। वैसे यहां पर किससे जोड़ देखेंगे? हाँ, बी और सी में देखेंगे अंतर कितने का है, तो 20% का अंतर होगा। समझ में आया? इसीलिए हर बार क्वेश्चन में दो ही कैंडिडेट दे रहे थे, है ना, ए बी दो ही कैंडिडेट। क्यों? क्योंकि तीसरा से कोई मतलब इसमें नहीं होता। हम 3 का 10 कैंडिडेट भी दे देंगे तो उससे कोई मतलब, मतलब है विनर और द फर्स्ट लूजर जो है, फर्स्ट पोजीशन पे जो आया लूजर में, है ना, उससे मतलब है, अदर किसी से नहीं है। इसमें कितने का अंतर हो गया? तो इन दोनों का अंतर देखें, इससे कोई मतलब, यही 20% 1200 के बराबर है। तो क्या निकालेंगे? 100% 1200 डिवाइड बाय 20 गुने 100 6 दुनी कितना आ गया भाई बंधु? क्या सबको समझ में आया? किसी को तकलीफ आया? नो, थैंक यू जी। तो क्या एक मिनट, ये आपके लिए है, नीचे करो हाथ। समझ में आया? बनाइए भाई साहब, बनाइए बनाइए बनाइए, जल्दी फैसला कीजिए हार जीत का, जल्दी धाएं 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 धाएं। देवी और सज्जनों धाएं धाएं। क्या 2 लाख आया? बोलो बोलो, 2 लाख आया, 2 लाख आया, 2 लाख है, 2 लाख है, आया, बोलो बोलो आया। जो 3 कैंडिडेट ए बी सी है, कुल मतों का ए को कितना मिला? 19%, बी को 55%, सी को शेष मत। ए भाई, शेष कितना बच गया? इसे जोड़िए, ये हो गया 74%। कितना हो गया? 74। तो कितना बचा जी? बोलते क्यों नहीं है? 26। इन दोनों को जोड़ के 74 हो गया ना, 100 में से माइनस करना, 26 से बचेगा ना। हार जीत का फैसला किनके बीच होगा? कितने वोट से? 29% से जीता। और 29% किसके बराबर है? 58,000 है जी। तो 29 से भाग दे देंगे, 100 से गुना कर देंगे, 29 दूनी 30 यहां और 2 जीरो यहां, तो कितने हो गए? 5 जीरो। यस और नो? 2 लाख आया। कितना आया? क्या पैसा बना सकते हैं? एनी प्रॉब्लम? जा रहे हैं क्या? ओहो, चलिए तो कल ही मिलेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है? आज थोड़ा कम पढ़ाए लगता है, नहीं?